हेलो फ्रेंड्स, आज हम इजी फैब्रिक पेंटिंग कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो कलर्स लिए हैं वो हैं वाइट, पिंक 18 एंड रेड। आप चाहें तो पिंक 18 की प्लेस पे वाइट एंड रेड मिक्स करके लाइट पिंक का शेड डाल सकते हैं। जैसा पास वाले फ्लावर में मैंने वाइट एंड रेड मिक्स करके लाइट पिंक बनाया है। अब एज पर ट्यूटोरियल आप स्टेप्स फॉलो करते जाइए। ये बहुत ही सिंपल है और जो आउटकम है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है। अब हमें सिर्फ वाइट कलर लोड करना है ब्रश में और सिर्फ वाइट कलर से स्ट्रोक्स देने हैं। प्लीज नोट, मैंने यहाँ पे ब्रश को वॉश नहीं किया है। मैंने सेम ब्रश के अंदर वाइट कलर लोड कर दिया ताकि एक शेड आ जाए इसमें।
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रोक्स की जो लाइंस हैं वो टोटल 3 हैं। अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो फ्लावर है उसमें आपको पिंक जो बेस है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो नीचे से ऊपर की तरफ बीच में आप एक और लाइन स्ट्रोक्स की दे सकते हैं। जैसे पास वाले फ्लावर्स में टोटल 4 लाइंस हैं स्ट्रोक्स की और इसमें 3 हैं। हम सभी लीव्स को सबसे पहले सॉलिड कलर से पेंट कर देंगे, शेडिंग सबसे लास्ट में देंगे। शेडिंग के लिए हम वाइट कलर लोड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 नंबर फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। शेडिंग का तरीका ये है कि एक साइड पे हम बाहर से अंदर की तरफ स्ट्रोक डालेंगे और सेकेंड साइड के लिए, ऑपोजिट साइड के लिए, हम अंदर से बाहर की तरफ स्ट्रोक डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ्लोरल पेंटिंग रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।